हाय गाइज, मैं हूँ कमल शर्मा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त, बिल्कुल मस्त हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, शर्मा जी आप लोग ओमान में रहते हैं, एक कैसे घर में रहते हैं आप लोग, आप लोगों का रूम कैसा है, आप लोगों का खाना कैसा है, हमें दिखाइए, हमें बताइए। ऐसा हो सकता है शर्मा जी आपकी फरमाइश को पूरा ना करें? आप लोगों ने जो फरमाइश किया था उस चीज़ को, उस फरमाइश को पूरी करते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी मैं अपने घर में हूँ, अपने रूम में हूँ। अब मैं जाऊँगा बाहर, सबसे पहले आपको मैं अपना घर बाहर से दिखाऊंगा। अब मैं चलता हूँ अपने रूम से बाहर, बाहर जाकर दिखाऊंगा हमारा घर बाहर से कैसा दिखता है। उसके बाद में हमारा किचन भी दिखाऊंगा, जहाँ पर हमारा खाना बनता है, हमारे लिए खाना कौन बनाता है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने शर्मा मिक्स ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को दबा के शर्मा मिक्स चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो चलता हूँ अब मैं बाहर, और बाहर से दिखाता हूँ, शुरू करता हूँ बाहर से दिखाना। तो गाइज, फाइनली मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बाहर आ गया हूँ। मेरे पीछे देख रहे हैं बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर में। ये 8 फ्लोर बिल्डिंग है, ये देख सकते हैं आप, देखिए देखिए ऊपर तक, ये देखिए ये 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। यहाँ मेरे पीछे से एंट्री गेट है, यहाँ पे ये देखिए मेरी उंगली की इशारे से यहाँ से एंट्री करेंगे। मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ इसलिए मैं लिफ्ट से नहीं जाऊँगा, सीढ़ियों के रास्ते जाऊँगा और ऊपर जाकर आपको दिखाऊँगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलता हूँ अब अंदर, आपको लिए चलता हूँ। यहाँ से अंदर जाते ही मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिफ्ट है, ये देखिए ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट, ये लिफ्ट का बटन है, ये देखिए ये 3 फ्लोर में है अभी लिफ्ट। लेकिन मैं लिफ्ट से ना जाऊँगा, मैं यहाँ से सीढ़ियों के रास्ते जाऊँगा। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ ना, फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ से ऐसे सीढ़ियों के रास्ते जाएंगे, ये देखिए ऊपर जाते ही ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पर हमारे 6 फ्लैट हैं, 1 2 3, ये साइड में 3 है और ये साइड में 3 है, टोटल 6 फ्लैट है यहाँ पर। यहीं पर साइकिल वगैरह खड़ी करते हैं जिनकी साइकिल है, और हम लोग कपड़े भी यहीं सुखाते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट फ्लोर है, पहली मंजिल है, ये पूरा कंपनी ने रेंट पे लिया हुआ है। जो यहाँ पर 6 फ्लैट बने हुए हैं, 6 फ्लैट के बीच में जो गली है, गैलरी है, यहीं पर हम लोग कपड़ा सुखाते हैं। ये फ्लैट नंबर 14, ये मेरा फ्लैट है। इसके अंदर जाते ही यहाँ पर 3 रूम है, 3 रूम का सेट है। एक रूम में हम 3 लोग रहते हैं, ये 14C है। यहाँ पर सामने आप नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये हमारा स्टोर रूम भी है और किचन भी है। हम इसको यूज नहीं करते, हमने इसको स्टोर रूम बना रखा है। और ये 14B, ये 14B मेरा रूम है। और इस साइड में ये जो है ये 14C है, ये इसमें मेरे दोस्त रहते हैं। गाइस, यहाँ से मैं एंट्री करूँगा अपने रूम में। अंदर रूम एंट्री करते ही आप देख सकते हैं सामने एक ये बेड है, एक मेरे दोस्त का बेड है, इनका ये अलमारी है जिसको हम कबोर्ड कह सकते हैं। ये देखिए इनका ये अलमारी है और ये बेड है। और आपको मैं और आगे दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेरा बेड है, ये देखिए ये मेरा बेड है, और ये मेरी ये अलमारी है, आप देख रहे हैं ये कबोर्ड है, ये देखिए मेरी अलमारी है। और सामने देखिए ये एसी है, अभी एसी बंद कर रखा है, अभी फैन चल रहा है, देखिए फैन चल रहा है, एसी अभी बंद कर रखा है मैंने, रूम एकदम कूल हो गया है। और एक बेड ही है, ये मेरे दोस्त का बेड है, इन्होंने अभी बेड शीट चेंज कर रहे हैं, अभी बेड शीट चेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। और इनका कबोर्ड ही है, ये देखिए ये इनका कबोर्ड है। हम रूम में 3 लोग रहते हैं। आपको मैं एक बार दूर से और दिखाता हूँ, ये देखिए दूर से देखिए दरवाजे, एक बेड ये है, एक बेड वो है, और एक बेड इधर है, ये देखिए 3 बेड है। और यहाँ पर फैन और पंखा है, हम रूम इसी में रहते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। रूम के अंदर ही यहाँ पर देखिए ये डोर देख रहे हैं आप, ये अटैच बाथरूम है, टॉयलेट बाथरूम अटैच इसी के अंदर है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, रूम के अंदर ही डोर है इसका। तो अभी आपको मैं लेकर आया हूँ हमारे किचन में, हमारे डाइनिंग टेबल में। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े बर्तन ढककर रखे गया है, यहाँ पर हमारे लिए खाना बना के रेडी है, खाना तैयार है, दोपहर का लंच। थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए 2 फ्रिज रखी हुई हैं, ये टेबल है, इसमें सब्जियाँ काटते, कटिंग का एरिया है ये, और अंदर किचन है, ये कटिंग का एरिया है, ये किचन है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़े बड़े 2 चूल्हे हैं, एक छोटा चूल्हा है, यहाँ पर वॉश बेसिन भी है। मेरे दोस्त
फ्राई पैन को धो रहे हैं, अभी खाना बन चुका है, अभी किचन खाली हो चुका है। और जब ये देख रहे हैं आप, ये हमारा खाना खाने का रूम है, यहाँ पर हम राशन पानी भी यहीं रखते हैं। आपको डब्बे नज़र आ रहे होंगे, आटा दाल चावल चीनी जो भी है यहीं रखते हैं, हमारा ये खाने का रूम है। ये हमारा डाइनिंग हॉल है, हम यहीं पर बैठकर खाना खाते हैं। हमारा राशन रखने का हॉल भी यही है, यहीं पर राशन रखते हैं। देखिए इनकी दाल चावल वगैरह यहीं पर रखा जाता है, देखिए यहीं पर। और पीछे एक फ्रिज ये है, ये फ्रिज भी है, और एक साइड में एक फ्रिज यहाँ पर है, देखिए ये बड़ा वाला फ्रिज यहाँ पर है। ये अभी खाना खाने का टाइम नहीं हुआ, इसलिए अभी यहाँ पर कोई नहीं है। जब खाना खाने टाइम होगा इस टेबल पर बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा डाइनिंग टेबल है, खाना रखने का टेबल अलग है हमारा और खाना खाने का टेबल अलग है। यहाँ पर ये मेरे दोस्त हैं जो मजाक कर रहे थे। और ये जो बड़े बड़े बर्तनों में जो खाना रखा हुआ है आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे के दिन में देखिए ये भेज पुलाव है, भेज पुलाव बना हुआ है, पीले कलर नज़र आ रहा होगा। इसके साथ में ये रखा हुआ है चिकन मसाला, और ये है वेज मिक्स वेज। जो लोग नॉन वेज नहीं खाते ये नॉन वेज है और ये वेज है। और साथ में दही का रायता, जिसमें खीरा प्याज टमाटर वगैरह काट के ये सजाया गया है, ये दही का रायता है। ये है हमारा दोपहर का खाना। ये देखिए ये हमारे चीफ कुक हैं यमलाल जी, ये हमारे लिए खाना बनाते हैं, बहुत लाजवाब बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। आज फ्राइडे क्या क्या बनाए एक बार जल्दी से बता दो हमारे ये वीडियो देखने वाले को। वेज पुलाव हाँ, एंड चिकन करी हाँ, चिकन 65 मसाला हाँ, वेजिटेबल हाँ, सैलड मिक्स सैलड, दही का सलाद, दही का रायता। सुबह ब्रेकफास्ट में कन्नी बोलता है पानी राइस एंड काला वाला चना, ये ब्रेकफास्ट में। तो ये चीज हो गए। तो इस वीडियो को जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ना मुझसे फरमाइश किया था कि शर्मा जी आप ओमान में कैसे खाना खाते हैं, कैसे रूम में रखते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया था। ये जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को आप कुछ बोलना चाहते हैं, एक बार बोल देंगे? बस सब कमल जी को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, हम उनके साथ हैं, हमको मिस कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइज आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना, फॉलो का बटन दबाकर। अगर इसी वीडियो को आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब बटन में नीचे शर्मा जी का मिक्स ब्लॉग, मेरे शर्मा मिक्स ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं कमेंट कर दीजिएगा। डायरेक्टली आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ पर एक फेसबुक का लिंक दिया गया है। शर्मा मिक्स ब्लॉग मेरा फेसबुक पेज है, शर्मा मिक्स ब्लॉग मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोग मेरे फेसबुक में फॉलो कर दीजिए, मेरे फेसबुक में लगभग 12,000 फॉलोअर हो चुके हैं। ये सब आप लोगों का प्यार है, फेसबुक को फॉलो कर दीजिए और मैसेज करिए। कोशिश करूंगा मैं आपके हर मैसेज का जवाब देने की। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप और अपना खुद ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।